811 की जानिब से बड़ा ऐलान। जी हाँ, इमदादी मैसेज आना शुरू। एक मिनट में अपने घर बैठे खुद के पैसे खुद चेक करें। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ की जानिब से तमाम गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जिन दोस्तों को कोई भी अभी तक इमदादी मैसेज मौसूल नहीं हुआ है, वो दोस्त एक छोटा सा काम करें, उनको इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से फ़ाइनल मैसेज, फ़ाइनल इमदाद का 14,000 रुपये का मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। वो कौन सा काम है, किस तरह आप हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर अप्लाई करेंगे, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना। तो चलेगा इस वीडियो के जानिब, तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए, आज के नीचे सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से आपको मैसेज मौसूल इस वजह से नहीं हो रहा, काफी दोस्त 8171 8871 पर एसएमएस सेंड करने में कुछ गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां क्या है, यहां पर देख सकते हैं। मैं आपकी आंखों के सामने यहां पर आईडी कार्ड नंबर लगाऊंगा और आपने इस आईडी कार्ड नंबर लगाते वक्त आपने चीजें नोट लाजमी से कर लेनी है। सबसे पहले अगर आप आईडी कार्ड नंबर लगाते हैं तो यहां पर आप सेंटर में जो कोमा आपको ऑप्शन दिया जाता है, ये कोमा आप नहीं ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आपको हुकूमत की जानिब से फाइनल मैसेज नहीं आ रहा है। तो यहां पर आपने इस तरह आपने क्या करना है, कोमा ऐड करना है, और ऐड करने के बाद यहां पर आपने सेंट आइटम को टाइप कर देना है। और जैसे आप यहां पर सेंट आइटम को टाइप करते हैं तो आपको कुछ देर के बाद आपको यहां से मैसेज रिसीव हो जाएगा कि जी आपकी जो इमदाद है आ चुकी है। यहां पर अगर आपको यह कहा जाता है कि आपकी जो जांच पड़ताल है, इस तरह का मैसेज अगर आपको आता है तो अगर आपकी जांच पड़ताल अभी तक चल रही है तो फिर आपने एक और छोटा सा काम कर लेना है। वो क्या काम है, आपने यहां पर अपने एक एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन कहां पर होती है, आपने टाइटल को टाइप करना और आपके सामने डिस्क्रिप्शन ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को जैसे ओपन कर लेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आपने सास एक प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने यहां पर मोबाइल 817 हलियत के ऊपर आपने टाइप करना है, ये यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आपने यहां पर टाइप करना है और जैसे आप यहां पर टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जिन दोस्तों को 817 की जानिब से जो मतलूबा मैसेज है वो आ चुके हैं, जिसमें ये वाजे लिखा हुआ है कि आपकी जो इमदाद है वो आ चुकी है और आप एक वेब पोर्टल के जरिए अपनी इमदाद की जो मुकम्मल डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपने टाइप करना है, और टाइप करने के बाद नीचे अपना जो मोबाइल नंबर है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपने टाइप कर देना, और टाइप करने के बाद नीचे आपने क्या काम करना है, यहाँ पर यह कैप्चर है, कैप्चर फिल कर देना है। कैप्चर किस तरह फिल करना है, यहाँ पर आपको कैप्चर जो भी गया वो फिल करके आपने यहां पर जमा करके क्लिक करेंगे, फौरी तौर पर आपकी जिम्मेदारी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद यहां पर आपने तीन लाइंस को पढ़ाना है, तीन लाइंस यहां पर आप देख सकते हैं, ये तीन लाइंस आपने यहां पर टाइप करना है और यहां पर शिकायत का ऑप्शन दिया गया है, शिकायत के ऊपर आपने आना है। आने के बाद यहां पर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, आप इस फॉर्म को फिल करें और आप फिल करके जमा करवा दें और आपकी जो शिकायत होगी वो दर्ज हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको मतलूबा मैसेज जल्द ही रिसीव हो जाएगा। और दूसरी बात यह, अगर आपको वेबसाइट नहीं मिलती है तो यहां पर आप गूगल पर आकर यहां पर आप लिख सकते हैं टॉप न्यूज pro.site। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी और इस तरह आपने इस वेबसाइट के जरिए आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है सास प्रोग्राम के वो इजीली कर सकते हैं। तो मुख्तसर से अपडेट थी, मुख्तसर से वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।